हेलो दोस्तों, सास बहू के खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक सिंपल केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। किचन में रखे हुए थोड़े से सामान से हम बनाएंगे एक सिंपल प्लेन केक। घर में बनी हुई केक का स्वाद ही अलग होता है, तो चलिए बनाते हैं। तो हम इसके नाप के लिए एक ही नाप का बाउल लेंगे। एक बाउल में कुल 100 ग्राम मैदा आता है, तो ऐसे हमें दो बाउल मैदे के लेने हैं, एक बाउल पीसी हुई चीनी, एक बाउल हमें मिल्क पाउडर का लेना है, एक बाउल मलाई का लेना है, आधा चम्मच हमें बेकिंग सोडा लेना है, आधा चम्मच हमें बेकिंग पाउडर लेना है, थोड़े से चोको चिप्स लेने हैं, पर हमें केक में डालना है। बड़े बाउल में सारे सामान को मिलाना है। सबसे पहले मैदा डालेंगे, इसके बाद हमें इसमें पीसी हुई चीनी डाल देना है, मिल्क पाउडर भी इसी में डाल देना है, मलाई को डाल के हमें इसको अच्छी तरह से मिलाना है। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। केक का बैटर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हमारी केक बनेगी। बैटर को अच्छी तरह मिलाते रहना है। अभी ये दिखने में खरदरा लग रहा है, जब पूरी तरह से मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो हमारे बैटर में थोड़ी शाइनिंग दिखने लगेगी। अब हम इसमें अमूल बटर डालेंगे, 2 चम्मच अमूल बटर का डालेंगे, जिससे हमारे इस केक के बैटर में थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। बैटर में अब हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मिला देना है। बटर पेपर को केक वाले बर्तन में रखना है और इसे बटर से थोड़ा चिकना कर लेना है नीचे के पोर्शन को। इसमें हम बैटर डाल देंगे, चोको चिप्स को ऊपर से लगा देना है। पैन को मैंने पहले से ही गरम करके रखा था, जिसमें हम नमक को बिछाएंगे कुछ इस तरह से। हमें नमक को इस पे पूरा फैला देना है। नमक पूरी तरह से फैला के हमें इसमें केक वाले बर्तन को रख देना है। बर्तन को इसमें अच्छी तरह से सेट करके हमें ऊपर से इसे ढक देना है। 10 मिनट के बाद हमें इसे खोल के देखना है। केक हमारी कुल इस तरह से दिख रही है। केक को कुल 25 मिनट तक बेक करना है। 25 मिनट के बाद देखेंगे हमारी केक, देखिए तैयार है। अभी हमें इसे चाकू से डिप करके देखना है कि ये पूरी तरह बन चुकी है या नहीं। चाकू हमारा बिल्कुल सूखा है, तो हमारी केक बन चुकी है। केक को हमें प्लेट में निकालना है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, दबाने से ही किस पता चल रहा है कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है हमारी केक। मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरे इस रेसिपी को सब जगह शेयर करें। थैंक यू।